अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत है सना किचन ब्लॉग्स में। आज हम बना रहे हैं बेसन की कतली, जिसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा प्याज, एक लहसुन और एक चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार ले लेना और एक कटोरी बेसन। प्याज और लहसुन का हम पेस्ट बना लेते हैं। हमने प्याज और लहसुन का पेस्ट बना लिया है। बेसन का घोल हम इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से हम बेसन का घोल बनाएंगे तभी हमारी कतली अच्छी बनेंगी। इस तरह से बनाएंगे हम बेसन का घोल। अब चलते हैं पैन की तरफ। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। एक बड़ा चम्मच तेल, थोड़ा हम गर्म होने देंगे तेल को। तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर डालेंगे हम प्याज और लहसुन का पेस्ट। थोड़ा पकने देंगे एक मिनट के लिए। एक मिनट के लिए पकने देंगे मुझे। अब इसके अंदर डालेंगे जो हमने मसाले लिए थे। इसको चला देंगे। एक चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार लिया था हमने। अब इसको हम भूनने देंगे थोड़ी देर के लिए। एक मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे, भूनने देंगे। जो हमने घोल तैयार किया था, अब इस घोल को डालेंगे मसाला भूनने के बाद। घोल देखो ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल पतला, जो भी हमारी कतली बहुत अच्छी बनेंगी। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है वरना मसाला गल जाएगा। ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है। इस रेसिपी को बनाती थी। गैस में बेसन का घोल, डालते रहना और चलाते रहना। चलाना बहुत जरूरी है वरना हमारा बेसन जल जाएगा। सारा डाल। इसको जल्दी जल्दी चलाना है, नहीं तो इसमें गुड़ी पड़ जाएंगी। हमारा बेसन का तैयार हो चुका है पक्के। हम इसे निकालते हैं, प्लेट में निकालते हैं हम इसे कतली बनाने के लिए, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। इसको हम जल्दी से फैलाएंगे। अब हमें जल्दी करना है वरना ये ठंडा हो जाएगा। हमने अपने बेसन फैला दिया है अच्छी तरह से। अब इसको 5 मिनट के लिए हम ऐसे छोड़ेंगे। कतली जम के तैयार हो जाएंगी फिर हम कतली काटेंगे। अभी हम इसे थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। हरा धनिया से अच्छी लगेगी ये। पाँच मिनट के लिए छोड़ते हैं फिर हम इसी कतली काटेंगे और आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये बहुत अच्छी लगती है खाने में, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, नाश्ते में खा सकते हैं आप। ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है, इसे सब बहुत पसंद करते थे, इसलिए मैंने ये आप लोगों के सामने शेयर किया है। मेरी रेसिपी को प्यार देना।
इसे जरूर बना के जरूर खाना, ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छी है। देखिए दोस्तों, हमने कतली काट ली है, कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही टेस्टी है, आप जरूर बनाइए, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, खाने में भी इतनी अच्छी है। थैंक यू दोस्तों, सब बखैर।